हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और अभी का जो प्रेडिक्शन, अभी जो रीडिंग है वो एयर एलिमेंट के लिए होने वाली है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा जैसे मैंने वाटर एलिमेंट के लिए किया था, कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो अगर आपका जोडियक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से है, या आपको आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या किसी का अगर एयर एलिमेंट है उनके बारे में अगर आपको जानना है, तो भी ये रीडिंग आप उनके लिए देखिए, ठीक है। कुछ ना कुछ हिंट हेल्प आपको मिलेगी। तो ये रीडिंग इसके अलावा दो और आ जाएगी, ठीक है, आज के दिन में। लेकिन वो जैसे मैं रेगुलर करती हूँ अलग अलग टॉपिक पर वैसे होगा। तो बाकी अब बच गए हैं अर्थ और फायर, तो उनको भी मिल जाएगा। गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। तो कल तक आप लोगों को भी रीडिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखें। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एयर एलिमेंट की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट। टाइमलेस है ये रीडिंग, अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ swords, we have judgment, wait a second, we have judgment and we have five of swords, okay, ten of swords की एनर्जी आई है बॉटम ब्रेक से। इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ चल तो अच्छी नहीं रही है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी, और आप जजमेंट फेस कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो चार कार्ड्स हैं ना, ये आपकी करंट एनर्जी बता रहे हैं। दिस इज़ क्या नेक्स्ट होने वाला है, ये बता रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अभी माहौल थोड़ा सा गर्म है, या फिर ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप स्टक हो चुके हो, आपको नहीं मालूम कि करना क्या है, आपने क्या कहना है, क्या सुनना है, या किस तरह से सिचुएशन को ठीक करना है। तो आपने इसको सरेंडर किया है, ठीक है, इस सिचुएशन को ही सरेंडर कर दिया है। और ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं जजमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आपके कर्म बैलेंस हो जाएं, या फिर आपके लाइफ में आपको सही गलत की परख हो जाए, ठीक है। आपको इसका, आपको अपनी लव लाइफ में क्या एक्शन लेना है, इस तरह से आपको समझ में आ जाए। बिकॉज सिंगल आप हो नहीं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आप पार्टनरशिप में हो, किंग और क्वीन दोनों यहाँ पर हैं, सिंगल नहीं हो आप। हालांकि जैसे कि आपने ये जो कनेक्शन सरेंडर कर दिया, और आप इस टाइम यू नो बिल्कुल बातचीत बंद है, तो आप बहुत अकेलापन फील तो कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट जो अभी होने वाला है उसमें भी आपको काफ़ी अकेलापन फील होने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ अभी आपकी अनबन चली रही है, और ये जजमेंट ही फेस कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं जो भी आप फेस करते हो, वो आपका कर्मा लौट कर आपके पास वापस आता है। तो ऐसे में आप अगर ये फेस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो, दोनों एक ही कैटेगरी के हो, कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ है, और यहाँ पर ना द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड एक साथ हैं, तो मैं कह सकती हूँ कुछ हद तक कि आपका कनेक्शन इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, आपका मिलना तय था। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, चलो ये सिचुएशन है, आपने सरेंडर कर दिया, आप अपना कर्मा फेस कर रहे हो, जो भी है, आपको अभी प्यार नहीं मिल रहा, आपको प्यार की कमी है, आपके पार्टनर होते हुए भी यू नो आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, या नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट भी आपके पर्सन का, जो मैं देख रही हूँ ना बिहेवियर, मून के साथ एनर्जी मैच हो रही है, तो इट मीन्स कि ये पर्सन, इसके अंदर डिसेप्शन है, ये नहीं चाहते कुछ भी रिवील करें, या जो इनके अंदर है, या जो ये फील कर रहे हैं अच्छा बुरा, ये आपको बताने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे हुए हैं और आपसे बात तो इसको करना ही नहीं है, ये नेक्स्ट एक्शन है गाइस। हो सकता है अभी भी नहीं कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। जैसे आप अब ये डिसेप्शन है, आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो पास्ट लाइफ में, आपने सेम किया हो अपने पार्टनर के साथ, तो अब आपके पास वो वापस से आया है, ठीक है, क्योंकि जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिटर्न में आ जाता है। सो इट्स ओके बिकॉज यूनिवर्स का जो प्लान है, बिकॉज यूनिवर्स कार्ड यहाँ पर है, यूनिवर्स का जो प्लान है ना आपके लिए, वो ये है कि अब चीज़ें टर्न हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपके लव रीडिंग में आया है, या क्या नेक्स्ट होने वाला है इसमें आ गया है ना, तो यस, जो सिचुएशन अभी है वो नहीं रहेगी और सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो अभी है जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की, तो ये एनर्जी नहीं रहेगी, ये आपको आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके पास डिवाइन की तरफ से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जो आपके लव लाइफ में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आया हुआ है तो उसको रिमूव कर देगी, और आपके पार्टनर का जो भी डिसेप्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से अकेलापन आपको नहीं फील होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है इसके साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून के आने का मतलब है कि सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। तो आपके लव कनेक्शन में थोड़े टाइम के बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद, आप खुद से देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब तक ये जजमेंट कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। जितना आपने सहना था, स्टक थे, और आपने सरेंडर भी बहुत अच्छे से आप कर लोगे पूरे ट्रस्ट के साथ, तो ये जो भी इश्यूज़ हैं ये सारे ख़त्म होंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट अच्छे से करो, ट्रस्ट करो, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में अगर एंटर करता है, ठीक है, तो यस। और ये जो कार्ड है ना, ये अगर देखो मून है यहाँ पे, एनर्जी अगर हाइड वाली अगर आपके पार्टनर कैरी कर रहे हैं, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून सन बताता है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यस, तो जो भी डिसेप्शन है ना वो बिल्कुल सारा हट जाएगा, बिकॉज सन बहुत तेज लाइट देने वाला है, यानी कि आपके लाइफ में अबंडेंस, गाइडेंस, नॉलेज इतनी भर देंगे कि आपके पास आइडियाज़ होंगे, ठीक है। यू विल हैव योर वे कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, अपनी लव लाइफ को ठीक करना है, ठीक है, तो आपके पास गाइडेंस होगी। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून, अबंडेंस, गाइडेंस, सब कुछ आपके लव कनेक्शन में लेकर आ रहा है। तो अभी जैसे दोनों देख नहीं रहे हो, तो मे बी फ्यूचर में दोनों एक दूसरे को देखोगे, बात भी करोगे, और कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट्स भी आएंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं आपके लव कनेक्शन के लिए, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं। ठीक है, डिटेल में जान लेते हैं नेक्स्ट और क्या होगा। टू ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, एस ऑफ वांड्स एंड द फूल। ओके, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है। दिस इज द रिकन्सिलिएशन कार्ड एंड दिस इज द कार्ड जो शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो फाइनली ये पर्सन स्टैंड ले लेंगे इस कनेक्शन के लिए, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि अब क्या केमिस्ट्री नहीं बची इस कनेक्शन में, या कुछ अच्छा एक्साइटिंग कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, स्टिल आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। लेकिन ये पर्सन पता है बहुत ज़्यादा जो जिनसे आप डील कर रहे हो ना, हालांकि ये एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं, बट इनके पास नॉलेज बहुत है, इनको भी पता है कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो, कितने सच्चे हो, कितने मतलब इस कनेक्शन के लिए आप कितने ऑनेस्ट हो, सारी बातें पता है। दैट इज़ वाई तो रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं ना, और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। तो यस, सेवन ऑफ वॉन्ट्स, इट मीन्स ये जो भी हैं ये एक्शन ले लेंगे, और वैसे भी द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ में ना, आपकी लव लाइफ में गुड लक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का आने का मतलब ही है कि चीज़ें जैसी अभी आपको दिख रही है वो नेक्स्ट वैसी नहीं होगी, बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने कनेक्शन में। सो डोंट वरी, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, परेशान मत होइए। अगर सरेंडर किया है तो सरेंडर को ठीक से करो, और देन वेट करो मिरेकल होने का, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आता है, जो आपने सोचा भी ना हो वैसा कुछ मैजिकल हो जाएगा,
सो डोंट वरी, जो हो रहा है उसे होने दें, लेकिन टेंशन ना लें आप और मैनिफेस्ट करते रहें। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें भगवान पर भी छोड़नी पड़ती है, और वो आपको देन गाइड करेंगे कि कैसे होना है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स यस, चेंजेस हो जाएंगे, बेटर हो जाएगा सब कुछ। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।